सेल्फी ले रहा है। इधर पूरा है। डन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ छठ पूजा का पूरा व्लॉग शेयर करूंगा। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। अरे उसको करो आसान हो ऐसे। तो दोस्तों, अभी मैं छठ पूजा का प्रसाद बनाने में मॉम के साथ हेल्प कर रहा हूँ। ये मैं ठेकुआ बनाने के लिए आटा सान रहा हूँ। ये आटे का बनता है, देख सकते हैं। दोस्तों, छठ पूजा 4 डेज में पूरी होती है। ये 4 दिन का फास्ट होता है और ये 4 चरणों में पूरी होती है। तो दोस्तों, ठेकुआ बनने के बाद ये गुड़ की चाशनी से आटे को सान के पुआ टाइप का बनाया जाता है, देख सकते हैं। दोस्तों, छठ पूजा में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन साँझ घाट और चौथे दिन सुबह घाट की पूजा की जाती है। नहाए खाए में पहले दिन जो है सुबह सुबह उठ के नहा के लाइटली घर का खाना खाया जाता है और पूजा की जाती है। उस दिन पूरा दिन नॉर्मल खाना खाया जाता है। दूसरे दिन खरना में सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रहा जाता है और शाम को 7 बजे से 8 बजे के बाद जो है खीर पूड़ी का प्रसाद बना के पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में वही खाया जाता है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, ये व्लॉग लास्ट ईयर का है और आज खरना का दिन है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मेरा भी फास्ट है। दोस्तों, छठ पूजा का पूरा प्रसाद साफ सफाई से बनता है। नया चूल्हा होना चाहिए, नहीं तो आपका नया चूल्हा नहीं है तो आप कच्चा चूल्हा बना सकते हैं। नया तो हम लोग कच्चा चूल्हा बनाते हैं, पुराने जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है इसलिए, और साफ सफाई से व्रत किया जाता है गाइस। दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। हमारे यहाँ दिवाली से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों, तीसरे दिन साँझ घाट की व्रत की शुरुआत खरना वाले रात प्रसाद ग्रहण करने के बाद सीधे सुबह घाट तक 36 घंटे का निर्जल व्रत करके ही तोड़ा जाता है। साँझ घाट में ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है दूध के साथ। अरे सेल्फी ले रहा है। ये बहना है मेरी भतीजी। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देके पूजा को समाप्त किया जाता है। चलिए अब चलते हैं साँझ घाट में, आपसे मिलते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं साँझ घाट पूजा के लिए। बज रहे हैं शाम के 4:30। तब तक हम लोग रहेंगे जब तक सूर्य नहीं ढल जाता। जैसे सूर्य ढलेगा, ढलते सूर्य को अर्घ दे के पूजा को शाम की पूजा को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि खाली है, अभी यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी, बहुत लोग पूजा करने के लिए आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बने रहे लास्ट तक, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्यूट भी आना। ये पूरी हमारी डलिया है, देख सकते हैं आप लोग। इसे उठा के लाना होता है और फिर वापस जो है साँझ की पूजा को ख़त्म करके फिर वापस बांध के हम लोगों को वैसे ही रखना होता है और फिर सुबह फिर लेके आना होता है। फिर सुबह भी जो है सूर्य को अर्घ दे के पूजा करके पूजा को समाप्त किया जाता है। तब तक कोई भी ये प्रसाद यूज नहीं कर सकता गाइस। दोस्तों, छठ का ये व्रत को मनाने के लिए घर का किसी एक सदस्य को व्रत रहना कंपलसरी होता है। मेरी मम्मी पिछले 40 से 45 साल से रह रही थी। लास्ट ईयर वो हॉस्पिटलाइज होके आई थी तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था फास्ट रहना, दवा वगैरह चल रही थी। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं फास्ट रहूँगा, बट वो नहीं मानी, वो भी व्रत रही। और बैकअप के लिए मैं भी उनके साथ फास्ट रखा और हम दोनों ने एक साथ व्रत को कंप्लीट किया।
दोस्तों छठ पूजा की पूरी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे भाई हैं, बड़े भैया, छोटा भाई सन्नी है, ये मेरी मम्मी भाभी। लोकेशन का ओवरव्यू देख लीजिए ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। तो गाइस अभी सूर्य ढल चुका है, अब ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये लोग देखिए अर्घ दे रही हैं, इनके बाद हम लोग अर्घ देंगे। सब पहले से ही लाइन में लग जाती हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस, क्राउड बढ़ता ही जाएगा। अभी दोस्तों अर्घ देने के लिए महिलाएं को ही बुलाया जाता है, वही करती हैं, बाकी लोग सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अर्घ जो है महिला के हाथों से ही कराया जाता है, ऐसा मान्यता है, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस शाम का अर्घ हम लोग दे चुके हैं, भीड़ की वजह से सूट नहीं कर पाया था। सो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आफ्टर 10 आवर्स बाद आपसे मिलेंगे सुबह की पूजा के लिए, तब तक आप वीडियो को एंजॉय करें। दोस्तों सुबह की पूजा के लिए आ गए हैं हम लोग, बज रहे हैं 4:35 AM। अभी मम्मी लोग, बाकी लोग आ रहे हैं, मैं और मेरी बेस्टी कोमू और उसकी मम्मी आ गई हैं, वो घाट के नज़दीक ही रहती हैं, इसलिए मैंने बुला लिया जल्दी उनको। ये पीछे गोमो है, मेरे मम्मी गोमल की मम्मी है, उसकी बहन काजल। तो दोस्तों अभी
उगते सूर्य की का वेट किया जा रहा है, तब तक सभी महिलाएं मिलके गीत गाती हैं। 6:30 तक ले सूर्य उग चुका है, अब उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी की जा रही है। देखिए ये लोग पहले से ही खड़े हैं, तो चलिए अब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और ये क्लिप आप मिस नहीं करेंगे, ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। चलिए अब अर्घ देते हैं, आप वीडियो को एंजॉय करिए। ये एक एक करके सारे डलिया को उठा के गोल घूम के अर्घ दिया जाता है मम्मी के हाथों और दूध चढ़ाया जाता है। थी उसके बाद हमारी पूजा समाप्त होती है, इसके बाद हम लोग फास्ट को तोड़ सकते हैं और पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली पूजा समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक जाते जाते ब्यूटीफुल पिक्स देखना ना भूले। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय छठी मैया।
जा।